नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड। यदि किसी पार्टी ने हमें एडवांस पेमेंट दिया है और उस एडवांस पेमेंट पर हमें जीएसटी का कैलकुलेशन करना है, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करें और उसकी एंट्री किस प्रकार से टेलीप्राइम के अंतर्गत पास करें। चलिए तो आइए देखते हैं आज का कंसेप्ट। और इसके पहले हम कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत शीघ्र ही हमारी एक और ब्रांच शुभम श्री एकेडमी आष्टा शहर में ओपन होने वाली है, जहां पर स्टूडेंट को एडवांस एक्सेल, वर्ड, टैली यानी एडवांस कंप्यूटर पूरा प्रोजेक्ट वर्क के साथ प्रैक्टिकल बेसिस पर मिलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है, रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹20,000 फ्रॉम आदर्श प्राइवेट लिमिटेड, एडवांस अगेंस्ट सेल लैपटॉप एसर जीएसटी 28%। अब यहाँ पर ₹20,000 चेक प्राप्त हुआ है आदर्श प्राइवेट लिमिटेड से और ये अगेंस्ट दिया गया है लैपटॉप इनको परचेज करना है एसर का, जिस पर 28% जीएसटी कैलकुलेशन हमें करना है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें एडवांस टैक्स की, तो आपको कंपनी क्रिएशन के समय जब आप जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं तो वहीं पर आपको डिक्लेयर करना होगा एडवांस जीएसटी। तो चलिए शायद हमारे पीपीटी में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, हम पहले उस कंसेप्ट को समझ लें। तो हमने यहाँ पर कंपनी क्रिएट किया है, कंपनी क्रिएट करने के साथ ही मेंटेन अकाउंटिंग एंड बिल वाइज इन्वेंट्री यहाँ पर लागू है। यहाँ से तो हम एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और जाते हैं जीएसटी वाले पैरामीटर। तो ध्यान रखिए एडवांस जीएसटी, एडवांस पेमेंट ऑन जीएसटी का जो कंसेप्ट है उसके लिए हमें जीएसटी वाले विंडो में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, इसको आप यस करें। यानी हम यूं कहें तो आज का टॉपिक ही है टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से, यहाँ पर भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। और सबसे पहला एक वाउचर हम जनरेट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर पेमेंट एडवांस मिला है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट में। और रिसिप्ट में एंट्री करने पर विशेष ध्यान रखें कि एडवांस रिसिप्ट में आपको इस एंट्री को जनरेट करना है और उसके अंतर्गत हमें आइटम को डिक्लेयर करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो आइटम डिक्लेरेशन है उसमें हमने इंक्लूसिव ड्यूटीज एंड टैक्सेस पर लागू किया है, यानी अमाउंट है हमारा 20,000, उस 20,000 में 28% हमारा जीएसटी है जिसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी है। तो इस प्रकार से मूल अमाउंट यानी टैक्सेबल वैल्यू की बात करें तो ₹15,625 हैं, बाकी का इसमें टैक्स इंक्लूड है। चलिए तो इसका एंट्री हम पास करते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे बाउचर एंट्री में जाना है और सबसे पहला हम रिसिप्ट के अंदर एंट्री करेंगे क्योंकि हमने अमाउंट प्राप्त किया है। यहाँ पर आप अल्ट के साथ में जे प्रेस करिए और इसको ले लीजिए आप एडवांस रिसिप्ट के अंतर्गत। तो नॉर्मल रिसिप्ट वाउचर न जनरेट करते हुए एडवांस रिसिप्ट वाउचर जनरेट करना है। और यहाँ पर आप चाहे तो सप्लाई इनवॉइस नंबर, रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, हमने डाल दिया 1 और 1 अप्रैल में हम ये एंट्री पास कर रहे हैं। अकाउंट हमारा चेक मिला है यानी बैंक अकाउंट होगा, तो अल्ट सी से हम यहाँ पर SBI बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और ये चला जाएगा हमारा बैंक अकाउंट के अंतर्गत। कंट्रोल एस इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और पर्टिकुलर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे तो पर्टिकुलर हमारा आ जाएगा आदर्श प्राइवेट लिमिटेड। और आदर्श प्राइवेट लिमिटेड क्या है तो सनी डेब्टर्स हैं, कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे एडवांस में यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर पूछेगा लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, किसके अगेंस्ट आपने एंट्री को जनरेट किया है। तो हमने इसको अगेंस्ट किया है एक सेल और वो सेल है हमारी लैपटॉप, तो यहाँ पर अल्ट सी से हम
वो आइटम स्टॉक क्रिएट कर लेंगे। लैपटॉप एसर, यदि उसकी सीरीज है तो वो भी आप यहां पर डाल दीजिएगा। कौन सा लैपटॉप एसर का लिया है, जैसे हमने लिया 4720Z। इसके बाद अंडर ग्रुप यदि है तो वो डाल देंगे, कैटेगरी यदि है तो वो, यूनिट ऑफ मेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अल्टरनेट यूनिट नॉट एप्लीकेबल, और इस पर जीएसटी कितना है, तो यहाँ पर एप्लीकेबल है जीएसटी, सेट अल्टर जीएसटी में जाएंगे, इसको करेंगे हम यस। और यहाँ पर ऑन वैल्यू लेंगे, टैक्सेबल है और टैक्सेबल में 28% एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या है, गुड्स है। इसके साथ ही हम यहाँ पर इस इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स यस करेंगे, जिससे यहाँ पर उसी अमाउंट में टैक्स का कैलकुलेशन भी हो जाएगा। एडवांस अमाउंट कितना दिया है, तो बोले 20,000 रुपये दिए हैं। अब देखेंगे जैसे ही आपने ये एडवांस अमाउंट यहाँ पर डाला, तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आ गया है, रेट आ गया है, और सी जी एस टी में कितना है, एस जी एस टी में कितना है, ये भी पूरा पूरा यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। ठीक है, इसको हम लेंगे एडवांस के अंतर्गत और ये एंट्री हम पास कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप रिसिप्ट की एंट्री इस प्रकार से एंटर कर पाएंगे। नरेशन में आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं सेल अगेंस्ट सेल या सेल ऑन एडवांस, जैसा भी आप डालें, और इसको पास कर दीजिए। तो ये हमारा रिसिप्ट का वाउचर यहाँ पर हो गया। अब यदि हम यहाँ पर बैलेंस शीट को देखें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सन्डी डेप्टर्स माइनस आ रहा है और बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये आ गया है, क्योंकि ये इसने पहले ही हमें दे दिया, इसको भी हमने कोई माल यहाँ पर नहीं दिया है, तो ये एडवांस पेमेंट यहाँ पर आ गया है। इसी के साथ में अब यदि हम जीएसटी को देखें, तो डिस्प्ले के अंतर्गत जाएंगे और जीएसटीआर 1 को हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमें एक एंट्री यहाँ पर पास होकर मिल रही है और साथ में अमाउंट अनएडजस्टमेंट मिल रहा है अगेंस्ट सप्लाई 20,000 रुपये, जो अभी टैक्स लाइबिलिटी में नहीं दिखा रहा, एडवांस रिसीव के अंतर्गत नहीं दिखा रहा, यानी ये अमाउंट हमारा यहाँ पर आया है 20,000 का, लेकिन यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं आया। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। पीपीटी हमारा कहता है कि जब आप रिसिप्ट यहाँ पर रिसिप्ट में एंट्री कर देते हैं, इसके बाद इस एंट्री को जब आप पास कर लेते हैं, इसके बाद जीएसटीआर 1 देखना है, ये हमने देख लिया है, जो 20,000 रुपये अनएडजस्ट आ रहा है, यानी अब हमें क्या करना है, इसे एडजस्ट करना है और इसका लेना है हमें लाइबिलिटी बुक करना है। ठीक है, तो हमें इस लाइबिलिटी में वो टैक्स, क्योंकि ये अभी अनएडजस्टेबल है, एडजस्ट नहीं हुआ है, शो तो करेगा लेकिन एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो अब इसको एडजस्ट करने के लिए हमें एक एंट्री यहाँ पर पास करनी होगी, और वो एंट्री होगी हमारी जनरल की। जनरल में हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको इंक्रीज करना होगा, क्योंकि 20,000 रुपये प्राप्त जो हुए हैं, उस 20,000 रुपये में से जो टैक्स है, टैक्स कितना है, 4,375 रुपये, तो वो हमारे लाइबिलिटी में, टैक्स लाइबिलिटी में नहीं शो हो रहा है। यानी हमने एंट्री तो पास कर दी, हमने टैक्स का अमाउंट ले लिया है कस्टमर से, लेकिन हमारे इसमें टैक्स के उसमें रेशो में शो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर उसकी लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे एक जनरल एंट्री से। चलिए तो हम चलते हैं और यहाँ पर जनरल एंट्री पास करते हैं। F7 जनरल एंट्री के लिए हम लेजर बना लेंगे हम, टैक्स ऑन एडवांस ड्यूटीज, सॉरी करंट एसेट्स में आ जाएगा ये, एक्सेप्ट करेंगे। कितना है तो वो अमाउंट हम देख लेंगे, 4,375 रुपये, और क्रेडिट में हम लेंगे जीएसटी, अल्ट सी से एक लेजर हम क्रिएट करेंगे, सी जी एस टी जो चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स में, जीएसटी लेंगे और सी जी एस टी सेंट्रल टैक्स में एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर इस अमाउंट को हम दो भागों में
बांट देंगे, सीजीएसटी एंड एजीएसटी, यानी 2183 रुपये 50 पैसे, और इसी प्रकार एजीएसटी 20 नहीं किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्ट जे प्रेस करेंगे अल्ट के साथ में, और स्टेट एडजस्टमेंट जीएसटी में लेंगे इसको, और यहाँ पर करेंगे हम इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि हम टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लिया था, यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, तो हम इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी लेंगे। किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो ये हम अगेंस्ट कर रहे हैं ऑन एडवांस, ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट, क्योंकि हमने रिसिप्ट किया है इसके पहले वाउचर जनरेट, तो ये हम ले लेंगे। और यहाँ पर ये परसेंटेज पूछेगा रेशियो सीजीएसटी का एसजीएसटी का, और टैक्सेबल अमाउंट कितना है, तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है 15,000 रुपये 15,000, और कुछ अमाउंट जो हमारा कैलकुलेशन में आया था वो हमें यहाँ पे डालना 625 रुपये, और इसी प्रकार एसजीएसटी भी 14% है 15,625 रुपये के, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल यस करिए, और यहाँ पर उससे रिलेटेड पूरा डिटेल डाल दीजिए, जैसे किसके अगेंस्ट लेजर नेम आदर्श प्राइवेट लिमिटेड है, प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश रेगुलर, और यहाँ पर यदि जीएसटी नंबर उनका है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। हम एक डमी जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल देते हैं 21AGH PB 2764 P1ZS, इस प्रकार से नरेशन आप जनरेट कर इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। अब जब जनरल एंट्री आप पास करेंगे और यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि आपका करंट लाइबिलिटी यहाँ पर आ गया 4,375 रुपये। अल्ट प्लस F1 आप प्रेस करिए तो पूरा ये डिटेल दिखा देगा, और सन्डी डेप्टर अभी माइनस में आ रहा है, क्योंकि अभी हमने उसको जो है कि सेल नहीं किया है यहाँ पर, अभी प्रोडक्ट हमने दिया नहीं है, लेकिन उसकी लाइबिलिटी यहाँ पर हमने इंक्रीज कर दिया है। अब जब हम उसको प्रोडक्ट सेल करते हैं, यानी अब वो भी कंडीशन क्या है, उसी मंथ में यदि हमने प्रोडक्ट को सेल किया, कस्टमर आ गया 1 अप्रैल को, उसने पैसा दिया, और 25 अप्रैल को आए और उन्होंने कहा कि हमारा लैपटॉप दे दीजिए, तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर जो सेल का वाउचर है, अब देखिए ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पर इनपुट क्रेडिट इंक्रीज हो गया है। यदि आप चाहें तो इसका डिटेल भी आपका जो है कि GSTR में 1 में जाकर के आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा 15,625। चाहें तो हम टेली स्क्रीन में चल सकते हैं, और यहाँ पर डिस्प्ले के अंतर्गत जीएसटी रिपोर्ट के अंतर्गत GSTR1 के अंतर्गत आप देखें 15,625, 4,375 रुपये बना टोटल अमाउंट, यहाँ पर 20,000 आ चुका है। चलिए अब कस्टमर आकर के बोलता है कि हमें अपना लैपटॉप चाहिए, हमें अपना लैपटॉप परचेज करना है, तो यदि ये हमारा हो चुका है, बैलेंस शीट हमने देख लिया है, तो यदि कस्टमर कहता है कि वो लैपटॉप हमें दे दीजिए, तो हमें यहाँ पर एक सेल वाउचर जनरेट करना होगा किसके अगेंस्ट पेमेंट के, या सॉरी एडवांस पेमेंट के, ठीक है, जिसे हम अगेंस्ट डिफरेंस बोलेंगे। तो यहाँ पर यदि वही रेट है, देखिए दो कंडीशन हम इसमें समझने वाले हैं, कि यदि लैपटॉप की प्राइस एक्चुअल में 20,000 ही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन असल में लैपटॉप की प्राइस 20,000 नहीं है, लैपटॉप है 35,000 का, जिसमें 20,000 रुपये हमें एडवांस दिया गया था, अब हमें यहाँ पर बाकी का सेल्स पेमेंट दिया जाएगा। फिलहाल हम एक वाउचर यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं 20,000 से ही, कि यदि अमाउंट उसका 20,000 ही है तो क्या करें, तो यहाँ पर हम जाएंगे वाउचर में और एक सेल का एंट्री पास करेंगे, सेल्स में जाएंगे। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो वाउचर एंट्री है वो जो है कि आप इनवॉइस जो लेना है वो एज ए आइटम नहीं लेना है, यहाँ पर इनवॉइस लेना है, और हम इनवॉइस में चले जाते हैं आदर्श प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर इस वाउचर आदर्श प्राइवेट लिमिटेड कितना है 20,000 रुपये, ये हम देंगे,
इसको लेंगे हम अगेंस्ट डिफरेंस में, ये 20,000 रुपये आ जाएगा अगेंस्ट डिफरेंस में लेंगे, क्योंकि उन्होंने एडवांस पेमेंट कर दिया था। और क्रेडिट किसे कर देंगे हम, यहाँ पर हमें बिल वाइज एंट्री को पहले एक्टिवेट कर लेना है। देख लेते हैं बिल वाइज एक्टिवेट है नहीं है। यहाँ पे बना लेंगे हम सेल्स अकाउंट, सेल्स से चला जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट के, कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे इसको। और यहाँ पर लेंगे हम सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि हमने अमाउंट टैक्सेबल, जो हमारा लैपटॉप है वो टैक्सेबल है। और आइटम में हम सेलेक्ट करेंगे लैपटॉप, क्वांटिटी 1 पीस, अभी हमें नेगेटिव स्टॉक बता रहा है क्योंकि हमारे पास है नहीं, हम इस एंट्री को पास कर रहे होंगे। रेट क्या है उसका, रेट हमने मान लिया कि 20,000 ही है, ठीक है, तो ये हमने अमाउंट दे दिया है। अब इस 20,000 में, चूंकि हमारा टैक्स भी है, तो हम टोटल अमाउंट 20,000 नहीं डालेंगे। लैपटॉप का जो प्राइस है वो तो असल में 15,625 रुपये है, बाकी का क्या है, तो बाकी का यहाँ पर है जीएसटी, तो हम लेंगे सीजीएसटी। सीजीएसटी कितना है, तो सीजीएसटी हमारा बन रहा है यहाँ पर 2,187 रुपये और 50 पैसे। इसी प्रकार एसजीएसटी कितना है वो हम सिलेक्ट करेंगे और इस एंट्री को इस प्रकार से हम पास कर देंगे। जब आप सेल का वाउचर यहाँ पर पास करेंगे, इसके बाद बैलेंस में आप जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो टैक्स है, टैक्स लाइबिलिटी, वो डबल इंक्रीज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसने उसी मंथ में, सेम मंथ में उसको ले लिया है। अब यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं, या तो वही प्राइस हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है, यानी 35,000 अमाउंट भी हो सकता है। यदि अब 35,000 हो तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो हम जाएंगे डिस्प्ले के अंतर्गत, यहाँ पर अकाउंट के अंतर्गत, और सेल रजिस्टर को जाते हैं, यहाँ पर इसको पुनः ओपन करते हैं। 20,000 रुपये तो हमारा पहले से एडवांस है ही, लेकिन ये टोटल कितने का हमारा लैपटॉप है उसका हम यदि कैलकुलेशन करें, तो इसके ऊपर टैक्स भी है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले टोटल हम इसको निकालने के लिए कंट्रोल एच करते हैं और एज ए आइटम इन्वॉइस लेते हैं। आइटम इन्वॉइस से बेनिफिट ये रहेगा कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर के आ जाएगा। सेल्स में हम जाते हैं, ये सिर्फ हमने कैलकुलेशन करने के लिए लिया। लैपटॉप की प्राइस है माना कि हमारी 35,000 रुपये, ठीक है, ये 35,000 टैक्स साइड कितना हो गया है, यदि 35,000 का टैक्स हम कैलकुलेशन करें तो टोटल आज की डेट में लैपटॉप की प्राइस हो गया है 44,800, मूल प्राइस है 35,000, एडवांस दिया है 20,000 रुपये, ठीक है, तो 20,000 का टैक्स भी हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। अब बाकी बचा है हमारा, उसका हमें कैलकुलेशन करना है। फिर से हम आएंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और एज ए वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि वो एंट्री जैसे हमने कन्वर्ट किया था ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया, हमें कैलकुलेशन करना नहीं पड़ा। 44,800 यहाँ पर हमारा आदर्श प्राइवेट लिमिटेड को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। चलिए इसको डेबिट कर देते हैं। इसके बाद अगेंस्ट डिफरेंस में कितना है हमारा, तो अगेंस्ट डिफरेंस की यदि हम बात करें तो हमें जो दिया गया था वो था हमारा 20,000 रुपये जो एडवांस था, ठीक है, बाकी का न्यू डिफरेंस में डाल देंगे 24,800, तो ये हमारी एंट्री यहाँ पर इस प्रकार से पास हो जाएगी। फिर सेल्स में जाएंगे, सेल्स टैक्सेबल है और 35,000 का लैपटॉप है, उसके अगेंस्ट में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। इस प्रकार से टोटल अमाउंट जो है वो बना है 44,800 रुपये,
ठीक है, जिसमें 20,000 रुपये हमें एडवांस आया था। अब यदि यहाँ पर हम बैलेंस शीट में जा करके देखें तो हमारा करंट लाइबिलिटी कितना आ जाएगा, 14,175 रुपये। अल्ट प्लस F1 करते हैं डिटेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर असल में हमारा 4,375 रुपये जो टैक्स है वो यहाँ पर ज़्यादा बन करके आ रहा है, और उसके सहित यहाँ पर ये प्लस हो गया है, ठीक है। तो या तो आप क्या करिए कि इस एंट्री को पास करने के पहले जो आपने लाइबिलिटी इंक्रीज किया था, क्योंकि सेम मंथ में हो रहा है, तो जब आपने लाइबिलिटी इंक्रीज किया था उस लाइबिलिटी को आप डिक्रीज कर दीजिए। जो वाउचर जनरेट आपने किया था जनरल का, ये जनरल का हमारा वाउचर है, ये वाला, इसमें क्या किया था हमने, टैक्स ऑन एडवांस इसको डेबिट किया था और CGST और SGST को हमने क्रेडिट किया था, और इसी कारण हमारे बैलेंस में ये क्रेडिट में दिखा रहा था, लाइबिलिटी में यहाँ पर दिखा रहा था। अब चूंकि एडवांस हो गया है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से डिक्रेस करना पड़ेगा, जो इंक्रेस हुआ है उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से हमें एक एंट्री करना पड़ेगा, और इस एंट्री को अब हम क्या करेंगे, डिक्रेस ऑफ टैक्सेबल, इसमें हम CGST SGST लेंगे ऑन किसके अगेंस्ट, टैक्स ऑन एडवांस के अगेंस्ट। चलिए तो इसको अब हम करते हैं जनरेट, तो वाउचर में जाएंगे, जनरल एंट्री में जाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सॉरी पहले अल्ट प्लस जे कर दीजिए, GST, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे डिक्रेस ऑफ लाइबिलिटीज, अभी तक हमने इंक्रीज किया था किसके, तो हम यहाँ पर इसको जो डिक्रेस करेंगे वो सेल अगेनेस्ट है एडवांस रिसिप्ट, ये हम ले लेंगे। CGST कितने परसेंट है, 14% है। टैक्सेबल वैल्यू कितना है हमारा, तो हमारा वैल्यू था 15,625, और उसके अगेनेस्ट में जो अमाउंट बन रहा है वो कितना है, 2,187 रुपये और 50 पैसे। CGST इसी प्रकार डेबिट करेंगे हम, SGST वो भी इतना ही है, 2,187 रुपये और 50 पैसे। क्रेडिट करेंगे हम टैक्स ऑन एडवांस, प्रोवाइड GST डिटेल दे सकते हैं आप, रेफरेंस नंबर यदि है तो वो आप दे दीजिए, डेट दे दीजिए, लेजर अदर्स प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा, GST नंबर जो भी है उनका वो आप यहाँ पर दे दीजिए। ठीक है, अब हम बैलेंस में जा करके देखते हैं कितना आ गया है, 35,000 का अब हमारा करंट लाइबिलिटी आ रहा है 9,800 रुपये, जो हमें पे करना है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को परचेस नहीं किया था, और यदि नहीं किया था तो फिर हमारा यहाँ पर टोटल अमाउंट आएगा 9,800, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। यदि हमने 35,000 का लैपटॉप सेल किया है तो उसका परचेस प्राइस क्या है वो हम यहाँ पर पहले ही निकाल चुके होते हैं, यदि आप चाहें तो इसका 28% एक्सेल में कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इक्वल 35,000 रुपये × 28/100, तो यहां पर 9,800 रुपये आ गया है, ठीक है, ये आ गया। चलिए तो ये तो हमारा लाइबिलिटी है, लेकिन असल में ये पूरा पूरा लाइबिलिटी नहीं रहेगा जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, तो उसका हम पहले क्या कर लेते हैं, एक सही से लेने के लिए एक परचेस की एंट्री हम पास कर देते हैं, वाउचर में जाएंगे और परचेस ऑन केस परचेस हम ले लेते हैं, पर्टिकुलर में हम ले लेते हैं गायत्री कंप्यूटर, परचेस परचेस आ जाएगा, एक्सेप्ट करेंगे, परचेस टैक्सेबल है, आइटम आ जाएगा हमारा लैपटॉप और क्वांटिटी 1 पीस, माने कि हमने इस लैपटॉप को खरीदा था 30,000 रुपये में, इस पर CGST और इस पर
SGST कैलकुलेट करेंगे। इस प्रकार ये लैपटॉप हमारा हमें मिलता है 38,400 रुपये में, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं हमारी टैक्स लाइबिलिटी 1,400 रुपये यहाँ पर आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है हमारा 5,000 रुपये। अल्ट प्लस F1 करेंगे तो ये डिटेल आ जाएगा, केस इन एंड में 38,400 ये माइनस में दिखा रहा है क्योंकि हमने केसेस को परचेस कर लिया है। अभी हमने जो सर्दी डेप्टर्स उनसे ये पैसा नहीं लिया है, उसके एंट्री आप जो शेष अमाउंट है उसको आप रिसिप्ट में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एडवांस जीएसटी का कैलकुलेशन आप बखूबी कर पाएंगे। पर्टिकुलर में हम डाल देते हैं आदर्श प्राइवेट लिमिटेड और इसको अगेंस्ट डिफरेंस में ले लेंगे 24,800 रुपये और इस एंट्री को हम पास कर देंगे। अब हमें टैक्स कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम बैलेंस में जाकर के देखेंगे 1,400 रुपये हमारा करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर आ रहा है जो कि कुछ इस स्थिति में तो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये किस प्रकार से इसका एडजस्टमेंट करें, ये एडजस्टमेंट एंट्रियाँ हैं जो कई मामले में थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती हैं और हम कहेंगे कि स्टूडेंट के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है सारे कंसेप्ट, और हमारा पूरा कंसेप्ट लॉजिकली आधारित होना चाहिए तभी जा करके हम उन पर प्रॉपर काम कर पाएंगे। कैसे इनमें माइनस में दिखा रहा है अमाउंट, चूंकि हमारे पास केस में इतना अमाउंट होगा नहीं, कुछ कम होगा जो कस्टमर को हमने सेल किया है तो हमारा जो प्रॉफिट है वही दिखाएगा, हमने यहाँ पर रिसिप्ट में नहीं लिया था अमाउंट इसलिए। चलिए तो और अभी हमने उसका पेमेंट भी पास नहीं किया, वो क्रेडिटर है यदि हम देखें तो ये हमारे असेट्स में दिखा रहा है F1, यदि हम प्रेस करेंगे 38,400 रुपये। चलिए तो ये तो हम एंट्री पास कर देंगे, बहुत आसान है। तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।